आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? एक्सरसाइज 9 पॉइंट, ओल्ड बुक में 3, नई बुक में कौन सी है भाई? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 39 अपॉन दिस. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की थ्री टर्म्स हैं. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस. अच्छा एक बात बताओ, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी इज 39 अपॉन 10. जीपी की थ्री टर्म्स हैं और बच्चों प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 1. जीपी में कभी भी प्रोडक्ट दिया हो 3 नंबर्स का, तो टर्म्स को ऐसे चूज करना चाहिए, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर. जीपी की 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो तो टर्म्स को ऐसे चूज करना चाहिए, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर. ठीक है, क्यों? देखो अब प्रोडक्ट दिया है, ए अपॉन आर, ए ए आर, दैट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. सो क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहां पर आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 1 और इससे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1. ए की वैल्यू आ गई बच्चों. अब क्या है, और क्या दिया हुआ है? सम ऑफ दीज टर्म्स इज 39 अपॉन 10. इन तीनों टर्म्स का सम क्या दिया हुआ हमें, दैट इज ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर. दिस इज कितना दिया हुआ है, 39 अपॉन 10. ठीक है, 39 अपॉन 10 के इक्वल दिया हुआ है. ए की वैल्यू बच्चों आपने फाइंड कर लिया है, तो डाल देंगे आर प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू 1 डालेंगे, ये आर हो जाएगा. दिस इज 39 अपॉन 10. एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा बताओ जरा. आर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज 39 अपॉन 10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर, दिस इज 39 आर. ठीक है, क्या इक्वेशन आएगी यहाँ से, 10 आर स्क्वायर, 39 आर और ये 10 आर, बताओ क्या बाकी बचेगा, माइनस 29 आर, 29 प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, बताओ जरा क्या आएगा यहाँ से, फैक्टर बना लोगे, माइनस 25 आर माइनस कितना 4 आर प्लस 10. जल्दी से यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के बताओ, फाइंड आउट कर लोगे आर की वैल्यू, बोलो क्या आ गया, 5 आर, तो 2 आर माइनस 5 माइनस 2, हाँ 2R माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0. 5R माइनस 2 इन टू 2R माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या आया, इसको 0 पुट करेंगे तो R आएगा हमारे पास 5 बाई 2, और इसको 0 पुट करेंगे तो R हमारे पास आएगा 2 बाई 5. ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं. अगर हम R को 5 अपॉन 2 लेते हैं, R को क्या लेते हैं, 5 अपॉन 2, तो जीपी क्या बनेगी बताओ भाई, ए तो 1 है ना, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, डालो एक आर की वैल्यू 5 अपॉन, हाँ यहाँ पर 2 अपॉन 5 आ जाएगा, ए को 1 डालेंगे और ये 5 बाई 2 आ जाएगा, और आर को अगर हम ये लेते हैं तो क्या आएगा, 5 बाई 2, हाँ तब आएंगे 5 बाई 2 1 एंड 2 बाई 2, तब जाएगा, डाल के देखो आता है कि नहीं आता. देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस. बच्चों एक जीपी आपको गिवन है, 3 3 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 120. देखो इस क्वेश्चन को, ए क्या है इस क्वेश्चन में ए क्या है, क्या उसे
अभी पॉज है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो एनी वे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। दिस इज इक्वल टू 120। जल्दी से मुझे आर की वैल्यू निकाल के बताओ, सॉरी एन की वैल्यू निकालनी है। ए कितना है, ए कितना है 3, आर क्या है, आर बताओ बच्चों, 3 टू द पावर एन अपॉन 3 माइनस 1 2, दैट इज इक्वल टू 120। बताओ जल्दी से एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू आ गई सभी की, 3 into 3 टू द पावर एन, 3 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 120 था। तो 3 टू द पावर एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 120 इंटू 2 अपॉन 3। इसको इससे कट कर दिया, 40 टू द 80, 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 81, ठीक है। इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो एन क्या हो गया 4, समझ आया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ जरा ये क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16, एस 3 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 15 14। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16, एस 3 इज इक्वल टू 16, एस 3 इज इक्वल टू 16। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, नेक्स्ट 6 दिस इज 128, ठीक है। एस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128 प्लस एस 3, एस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 16 है ना ये, तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास S3 की वैल्यू है, S16 की वैल्यू है, S6 की वैल्यू है, ठीक है। बताओ जरा S3 को क्या लिख सकते हो आप, A इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज 16। कहाँ से आया ये, A इंटू आर क्यूब माइनस, चलो देखो जरा, A इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है बच्चों। दिस इज इक्वेशन 1 एंड S16 A इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 144, ठीक है। क्या करेंगे, चलो फॉर्म बता रहे हैं, बताओ जरा क्या करेंगे, A और R हमें फाइंड करते हैं, माइनस कर देंगे, नहीं डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करो भाई, डिवाइड करेंगे देखो इन दोनों को, तो r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा r क्यूब माइनस 1 और नीचे बनेगा r 6 माइनस 1, 16 अपॉन 144। जीपी में है बच्चों, एपी में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और जीपी में इस टाइप से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर क्या है r क्यूब माइनस 1 और नीचे क्या है, इसके दो फैक्टर बनाओ, तो r क्यूब माइनस 1 और r क्यूब प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसको इससे कट करो 1/9। स्पीड बढ़ाओ बच्चों, स्पीड बढ़ाओ, लिखने की स्पीड मेरी इतनी ही होनी चाहिए, मैं तो खुद ही कम है, ठीक है। r क्यूब माइनस 1 से r क्यूब माइनस 1 कम कट हो गया, तो r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9, r क्यूब इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 2, ठीक है। समझ आया अभी, हाँ हाँ अपनी आजकल मैं सीधा मम्मा पर ट्रांसफर कर देता हूँ, बच्चों को भेजा हुआ कौन देखता है, मम्मा को भेजा हुआ क्या कुछ देख ही देखा फिर कब, इंटीग्रेशन कितनी बार होगी कराएंगे, ऐसा निकाल दिया भी आप लोगों ने, फिर चल रहा है, हाँ इसका सिस्टम उल्टा सा हो गया कुछ। चलो बताओ बच्चों, बताओ जरा, हाँ S7 फाइंड करना है ना, A इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 7 अपॉन
वन माइनस आर टू द पावर सेवन, ए बताओ कितना है? वन माइनस आर सेवन ट्वेंटी नाइन, वन माइनस आर टू द पावर सेवन, टू अपॉन थ्री टू द पावर सेवन अपॉन कितना आया, वन माइनस टू अपॉन थ्री, बताओ जरा, सेवन ट्वेंटी नाइन इंटू, बोलो बच्चों टू टू की पावर सेवन कितनी होगी, कितना 128, और ये 3 की पावर 7 2187, और नीचे कितना भाई 1 माइनस 2 बाई 3 कितना बचेगा 1 बाई 3, लिखो जल्दी कितना आया यहाँ पर 1 बाई 3, जल्दी से कैलकुलेट करो 729 इंटू ये कितना आएगा बच्चों 2187 माइनस 128 अपॉन, ये एलसीएम है ना यहाँ लिख दो 2187, और एक बात ध्यान से सुनो, ये 1 बाई 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो ये यहाँ से देखो, ये 729 3 की पावर 6 था, ये 3 की पावर 6 है और एक 3 है, ये 3 की पावर 7 हो गया, और ये भी तो 3 की पावर 7 ही था, मतलब ये पूरे पूरे कट जाएंगे, ठीक है, बचेगा उन आंसर निकाल दो, कितना आया 2059, समझ रहे, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है 16, बताओ जरा, गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729, ये तो कर लिया ना, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस 4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ए वन प्लस ए टू कितना है बच्चों, ठीक है माइनस 4, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है, देखो बच्चों जरा a5 को क्या लिखोगे ar4, दिस इज इक्वल टू 4, a क्यूब को क्या लिखोगे ar2, a से a को कट कर देंगे, हाँ बताओ जरा r2 इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर आ गया, बताओ क्या फाइंड करना था, अब यहाँ आ जाओ जरा, देखो जरा बच्चों ए टू प्लस ए वन, ए टू इज ए आर, ए टू इज ए आर प्लस ए दैट इज इक्वल टू माइनस 4, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, आर की वैल्यू बताओ एक बार, आर की वैल्यू 2 ले लो, ए कितना आ जाएगा माइनस 4 बाई 3, आर की वैल्यू अगर 2 लोगे तो, और आर की वैल्यू माइनस 2 लोगे तो क्या आएगा a इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, ए इज इक्वल टू 4, चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, आप लिख क्यों नहीं रहे, अच्छा क्या आंसर आया, फोर माइनस 4 बाई 3, क्या निकालना था हमें, जीपी निकाल, फाइंड द जीपी, तो बनाओ दो जीपी बनेगी, एक जीपी तो यहाँ से बनेगी, चार जीपी से बनेगी, चार जीपी बनेगी, ठीक है बच्चों चार जीपी बनेगी, एक बार एक बनाता हूँ मैं, ए ए को क्या ले लें 4 और आर को क्या ले लें 2, तो ए ए आर, ए आर स्क्वेयर, एक तो ये जीपी बनेगी, क्या बनेगी 4, 4 टू द 8, 2 का स्क्वेयर 4, 4 द 16 एंड सो, ए कैसे बनेगी, बाकी लोग बताओ चार कैसे बनेगी, ए को 4 ही रखना है और आर को क्या लेना है माइनस 2, एक वहाँ से बनेगी, वो सेम ही बनेगी, बस उसमें क्या होंगे 4 माइनस 8 नहीं, हाँ 4 माइनस 8 16 और फिर 24, ऐसे नेगेटिव ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स बनेंगी बस उसमें, क्योंकि आर माइनस 2 आएगा तो ऑल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगी, जिसमें आर की ऑड पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, इवन पावर होगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये आगे वाला 24 गलत लिख दिया ना, क्या होना चाहिए था 32 होना चाहिए था ना, जीपी है भाई, ठीक है क्या होना चाहिए था 32 माइनस 32, इस वाले में प्लस 32 आएगी, इसी टाइप से दूसरे वाले की टर्म्स, दूसरे वाले में वही होगा, टर्म्स वैसे तो सेम होंगी बट जब आर को माइनस क्या लोगे माइनस 2 तो ऑल्टरनेटिव टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे, ठीक है निकालोगे सेकेंड वाले भी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जरा, देखो अगले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन, द फोर्थ टेन सिक्सटीन टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितनी है
फोर्थ टर्म, फोर्थ, टेंथ, सिक्सटीन्थ टर्म, ये कितनी हुई है एक्स, ये वाई और ये क्या है जेड है। फोर्थ, टेंथ और सिक्सटीन्थ टर्म दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जी पी। बच्चों ए फोर का फार्मूला बताओ, ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ए आर नाइन इज इक्वल टू वाई, ए आर फिफ्टीन इज इक्वल टू जेड। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जी पी में है, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जी पी में है। तो जी पी में प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव क्या है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड, यही होती है जी पी की प्रॉपर्टी कि वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स जेड स्केयर और मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो एक्स जेड निकाल के देखो आप, एक्स जेड कितना आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था, ए आर क्यूब इंटू ए आर फिफ्टीन दैट इज ए स्केयर आर टू द पावर एटीन वाट इज ए, इसको आप ए आर नाइन का होल स्केयर लिख सकते हो और ए आर नाइन क्या है वाई का होल स्केयर, तो क्या आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्केयर। दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जी पी। किस किस को समझ नहीं आ रहा, सम ऑफ एंड टर्म्स निकालना है ना, एट एट प्लस डबल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस फोर टाइम एट अप टू एंड टर्म्स, इसका सम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। एट कॉमन ले लेंगे, करवाया मैंने कई बार ये सम, वन प्लस डबल वन प्लस ट्रिपल वन डैश 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 डैश, ठीक है इसका सम। चलो भाई इसको नाइन से मल्टीप्लाई करो, नाइन प्लस नाइन्टी नाइन प्लस ट्रिपल नाइन डैश, ठीक है भाई, क्योंकि ये सीक्वेंस ना ए पी है ना जी पी है ना एच पी है, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेन माइनस वन हंड्रेड, लिखो भाई बोलो मत, थाउजेंड माइनस वन, अच्छा हमारे पीछे हो क्या, हाँ बोल लिख के बोल सकते हो, लिखने से पहले नहीं बोल सकते, दो ए पी बनेगी, दो ए पी बनेगी, अरे रुक तो जाए यार थोड़ा सा लिख ले, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर दिस, टेन प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन क्यूब, बच्चो जो ये टेन हंड्रेड थाउजेंड थे ना एक ब्रैकेट में इकट्ठे कर दिए, और टेन को तो टेन, हंड्रेड को लिख दिया टेन स्क्वायर, थाउजेंड को लिख दिया टेन क्यूब एंड सो माइनस में ये वन, देखो बच्चो हर एक ब्रैकेट में एक वन है, सबको इकट्ठा कर लो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, इसको हमने ये एन टाइम्स आएगा ना, सारे वन एक ब्रैकेट में इकट्ठे कर लिया, एन कॉमन ले लिया। आओ भाई, हाँ अब ये क्या बना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये क्या हो गया भाई, ये जीपी है और इस जीपी का कॉमन रेशियो टेन है, इसमें एन टर्म्स है, एन टर्म्स का सम निकालना है, बताओ क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो भाई, जीपी के एंट्रेंस का सम का फार्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है, तो ए कितना है टेन, आर कितना है टेन, टेन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, टेन माइनस वन नाइन, ठीक है माइनस एंट्रेंस का ये वन को दो बार जोड़ते तो क्या आता है, तो तीन बार जोड़ते हैं तो तीन, चार बार जोड़ते हैं तो चार, पांच एन टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा एन, समझ आया दोबारा बताऊं, नहीं जो समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो, है ना, बताओ बच्चों जरा, दिस इज एट बाई नाइन इंटू, बताओ यहाँ पर, अच्छा जिसको बच्चों ओपन करेंगे तो टेन टू द पावर एन प्लस वन माइनस टेन, एलसीएम लोगे तो नाइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा नाइन एन डिवाइडेड बाई नाइन, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू एट बाई एटी वन, एट बाई एटी वन और ब्रैकेट में क्या आएगा टेन टू द पावर एन प्लस वन माइनस नाइन एन माइनस टेन, यह आपका आंसर, ठीक है। एक बात बताओ,
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है अभी ये दो जीपी दी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, दो जीपी हैं, क्या है 2848 1632। एक जीपी है और आगे तक नहीं है, बस पांच आइटम है, और एक दूसरी जीपी है 128 32 8 2 हाफ। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? वो लास्ट वाली बच्ची बताएगी, लास्ट में कौन है वाली। जब दो जीपी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो जीपी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन रेशियो पे क्या इफेक्ट आता है? दो जीपी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉमन रेशियो आर वन है, इसका कॉमन रेशियो आर टू है, तो नई जीपी को, दो जीपी को कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसको इससे, इसको इससे, तो नई जो जीपी बनेगी दोनों के कॉमन रेशियो का आर वन इंटू आर टू प्रोडक्ट होगी। उस नई जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा, दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 256 ये कितना हो गया, 128 ये कितना हो गया, बोलो बोलो 16 ठीक है। आप चेक करो इसका कॉमन रेशियो कितना आया, इसका कॉमन रेशियो कितना आया, हाफ आया। आर वन को चेक करो, आर वन क्या था, आर वन टू था। आर टू को चेक करो, आर टू क्या था, 1/4 1/2 1/4 और 2 करेंगे तो हाफ आता है ना, तो नया कॉमन रेशियो आर वन इंटू आर टू, नया कॉमन रेशियो आर ये आना चाहिए था, हाफ आना चाहिए था, देखो आया हुआ है। तो दो जीपी मल्टीप्लाई करते हैं तो नया कॉमन रेशियो कितना आता है, दोनों पुराने कॉमन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। जब दो जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नई सीक्वेंस भी एक जीपी ही होती है, और नई की जो फर्स्ट टर्म होगी वो दोनों की फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगी। नई की जो फर्स्ट टर्म होगी दोनों की फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगी, और जो कॉमन रेशियो होगा वो दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, क्या निकालना है इसकी, पांच टर्म का सब निकालना है, S5 निकाल दो। ए कितना है, 256 इंटू 1 - 8 1/2 की पावर कितनी, 5 अपॉन में कितना है, निकाल जल्दी, कौन जल्दी निकालता है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। नहीं हो रही तुमसे, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था यार। 256 इंटू 32 माइनस 1 अपॉन 32 और इंटू 2/1 करो, 2 से 16, 16 से काटो इसको, ये 2 की पावर 4 होती है, कितनी होती है, 16 कितना, 256 होता है ना, हाँ, और ये 32 माइनस 1 16 इंटू 31 करो मल्टीप्लाई, फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, बताओ जरा, ए ए आर एन माइनस वन आर एन माइनस वन क्या आ गया है यहाँ से, समझ आया ये, बोलो कॉमन रेशियो कितना होगा भाई इसका, ए टू बाई ए वन करो, ए टू बाई ए वन, ए ए आर आर बाई तो आर आर हो गया, ए थ्री बाई ए टू करोगे तो क्या आएगा, आर 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 ए ए आर आर कट, आर से कार कट, आर से कार कट, क्या आ गया, आर आर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन रेशियो आएगा, राइट। पूछा गया था फाइंड द कॉमन रेशियो, तो नई जीपी का कॉमन रेशियो वैसे भी पुरानी दोनों जीपीज के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है,